की ये सोच और विचार भी नहीं हो सकते और वहां तक पहुंच भी नहीं हो सकती। ये मात्र जादूगरी संसार के अंदर चल रही है। एक अग्नि होती है जो आप देखते हो, बारिश हो रही है जो बिजली के रूप में कड़कती है। एक अग्नि होती है जो आप देख रहे हो, सूर्य के अंदर ताप होता है। लेकिन जो वो इनसे अलग जो परमात्मा की जो ज्योति होती है, जो तेज होता है, जो आत्मा के लिए आवश्यक सबसे जरूरी जो तेज होता है, आत्मा उसकी ओर खींचती है, चलती है, जैसे नदी सागर की ओर चलती है, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े की ओर भागती है, जिस प्रकार माताएं अपनी संतान की तरफ भागती हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा उस परमात्मा की ओर बढ़ती है। तो वेदों के अंदर जो वर्णन हुआ उस परमपिता परमेश्वर का, उन्होंने बहुत छोटे शब्दों के अंदर बहुत गहन अर्थ छुपा दिए। वेदों के अंदर परमात्मा की बुद्धि का भी वर्णन आया है कि परमात्मा की बुद्धि हमें स्वीकार करे, आपकी बुद्धि के अंदर ऐसे विचार हो कि आप हमारे ऊपर कृपा करें। ये वेदों के अंदर ये वाक्यों के वर्णन है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर वेद कैसे निराकार का वर्णन करते हैं? परमात्मा जब ज्योति के रूप में आ गया तो ज्योति हुई तो रंग भी हुआ, आकार भी हो गया। ओम का जो आदि अक्षर है उसका वर्णन वेद पहले से कर रहे थे और उन्होंने परमात्मा का जो वर्णन किया एक एक शब्द के साथ, एक एक लाइन के साथ, अलग अलग ऋषियों का नाम लिख दिया गया कि ये उस ऋषि की वाणी है, ये उस ऋषि की वाणी है, ये उन्होंने वर्णन किया, ये उन्होंने वर्णन किया। लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा को समझ नहीं पाए। कुछ लोग अवतारों के पीछे भागे, कुछ वेदों के पीछे भागे, कुछ और वस्तुओं के पीछे भागे, लेकिन बस भागते रहे, न रास्ता था न मंजिल। क्योंकि बिना आपके जागे, बिना आपके समर्पण किए, बिना भावना के और बिना भक्ति के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे रास्ते बनाए हैं कि आप संसार के प्रत्येक कार्य करते करते और उसको परमात्मा को अर्पण करते जाएं, सब के सब कार्य, भोजन से लेकर के निंद्रा तक, कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरे अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जो कुछ करने वाले हो आप ही करने वाले हो, हे परमात्मा, हे पूर्ण पुरुष, हे आदि ब्रह्म। जब हमारे अंदर ये विचार उत्पन्न होने लगेंगे, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव आने लगेगा, अंदर में जब छटपटाहट शुरू होगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार हाथ पैर आँख जितने भी कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, सब के सब जब उसका गुणगान करने लगे, जब उसका समर्पण होने लगे कि हे परमात्मा, आपको महसूस होने लगेगा कि परमात्मा आपके कितनी नज़दीक तत्व है, कितना आप उसके नज़दीक हैं, आप उनको दूर करोगे, किस प्रकार से दूर कर पाओगे। उससे नज़दीक कोई तत्व नहीं है, ना हो सकता, ना था, ना होगा,
क्योंकि वो आपके सबसे नजदीक है। गुरु भी आपसे दूर का तत्व है, क्योंकि दूसरा हो गया, अलग अलग हो गए, लेकिन वो परमात्मा आपके अंदर में है। बस देर खोजने की है, ढूंढने की है, प्राप्त करने की है, सुमरण करने की है, अभ्यास करने की है। जब आप हर समय उनका अभ्यास करोगे, जब आप सुबह शाम उनका सुमरण करोगे, आपको ध्यान रहेगा मैंने क्या सही कर्म किया, क्या गलत कर्म किया, कहाँ कमी रही, किस प्रकार से उसको दूर किया जाए। क्योंकि वो परमात्मा हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को अक्षमा कर देता है। लेकिन जो ये शरीर है, जिन कर्मों से ये उत्पन्न हुआ, अगर वो अक्षमा कर दिए तो आपका शरीर उसी दिन समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि फिर तो जो हम ये कष्ट झेल रहे हैं ये अक्षमा कर देने चाहिए और हमें सुख का अनुभव होते रहना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने आपके जीवन से सारे के सारे दुख मिटा दिए तो सुख भी मिट जाएंगे। अगर दोनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे फिर शरीर का आधार क्या रहेगा, किस प्रकार से ये शरीर चलेगा, क्या कारण रहेगा जीवन यापन का, किस कारण से ये प्राण चलेगा, कैसे ये इंद्रियां काम करेंगी, कहाँ ये आत्मा रुकेगी। क्योंकि आत्मा कर्म के बंधन में बंधी हुई है, जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। जब ये कर्म का बंधन टूट जाएगा तो समझो ये पिंजरा आपका छूट जाएगा, और जब ये पिंजरा छूट जाएगा आपको आवश्यकता नहीं रहेगी कुछ भी करने की। आप इन छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए, जीवन के लिए इतनी भाग दौड़ करते रहते हो, लेकिन जहाँ हमें सदा सदा रहना है, जहाँ से वापस लौट के नहीं आना। कुछ लोग संसार के अंदर ऐसा व्यवहार करते हैं, संसार के अंदर जिन्होंने उस आध्यात्म को नहीं जाना, उस ताकत को नहीं पहचाना, वहाँ लोगों का नहीं पता, वहाँ सुख सुविधाओं का नहीं पता, तो वो लोग कुछ कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। हमारे देवताओं को, जितने भी हमारे देव हैं, उनको इधर उधर की बातें देख करके और घुमाया गया और भ्रम पैदा किया गया।